सो इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपने फ्लिपकार्ट ऑर्डर को रिटर्न कैसे करोगे, पूरी जानकारी मिलेगा कि पैसा कैसे मंगाएंगे प्रोडक्ट का। तो सिंपल से ओपन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे माय अकाउंट में चले जाना है, यहाँ पे फोर्थ नंबर पे ऑप्शन मिलता है, उसके बाद ऑर्डर्स में चले जाना आप है। जैसे ही ऑर्डर पे क्लिक करते हो जितना भी आज तक आपने ऑर्डर कर रखा है यहाँ पे शो हो जाएगा। तो सिंपल से हमने एक यहाँ पे लड़कियों के लिए एक लहंगा मंगाया था, इसे हम रिटर्न करना चाहते हैं, दूसरे नंबर वाले लहंगे को इसे हम चूज कर लेंगे। और जैसे ही आप इसे चूज करते हो एक बात का आपको ध्यान रखना है, तो सिंपल से हम ये प्रोडक्ट रिटर्न करना चाहते हैं तो इस पर हम टैप करेंगे, और यहाँ पे अगर जो आपके प्रोडक्ट पर रिटर्न का ऑप्शन दिखा रहा है तो ही वह रिटर्न हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसमें रिटर्न वाला ऑप्शन दिखा रहा है, तो सिंपल से हम रिटर्न वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे गाइस आपको एक रीज़न चूज करना होगा, जिस भी रीज़न की वजह से आप इस प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहते हो। तो कई भाई क्या होता है कि ऑर्डर कुछ और करते हैं और उनके पास डिलीवर कुछ और हो जाता है, तो सिंपल से कई भाइयों का या पैसे का प्रॉब्लम के कारण वो रिटर्न करना चाहते हैं, तो चूज कर लो कोई भी एक प्रॉब्लम चूज कर लो। तो सिंपल से हम चूज करते हैं आई हैव मल्टीपल इश्यूज़ विथ प्रोडक्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है कोई भी। तो सिंपल से यहाँ पे हम चौथे नंबर वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि इसका डिफरेंट कलर आ गया है, हम इसे चूज कर लेते हैं। जैसे इस वाला ऑप्शन को चूज करते हो यहाँ पे नीचे आपको और सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, और इसे चूज करने के बाद यहाँ पे कमेंट में आपको कुछ भी लिख देना है, 5 मतलब अक्षर का कुछ भी, 5 अक्षर का कुछ भी लिख देना है। तो रिटर्न हम लिख देते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करना है इतना सब लिखने के बाद। तो जैसे ही यहाँ पे आप कंटिन्यू करते हो तो यहाँ पे कुछ ही समय बाद ये ले जाता है दूसरे इंटरफेस में। यहाँ पे गाइस 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, रिप्लेसमेंट, रिफंड, एक्सचेंज। रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि मान से उसी प्रोडक्ट को दोबारा आप मंगा सकते हो इसे चूज करके। तो गाइस यहाँ पे हम यहाँ पे बीच वाला चूज करेंगे रिफंड, क्योंकि हमें पैसा मंगाना है। अगर जो एक्सचेंज करना चाहते हो उसकी जगह पे दूसरा कलर मंगाना चाहते हो उसी प्रोडक्ट का तो मंगा सकते हो। यहाँ पे हम रिफंड पैसा मंगाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट का, इसे हम चूज करेंगे। और जिस भी 3 ऑप्शन मिलते हैं पैसा को रिफंड लाने के लिए, गिफ्ट कार्ड के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू और UPI के थ्रू, तो जिससे भी आपको अपना पैसा यहाँ पे रिफंड करवाना है वो मतलब अपना डिटेल्स डाल दीजिए। अगर जो गिफ्ट कार्ड वॉलेट सेलेक्ट करते हो तो आपके यहाँ पे फ्लिपकार्ट वॉलेट में ही पैसा रिटर्न आएगा, तो हम यही चूज करेंगे। अगर जो आप UPI के थ्रू अपना पैसा मंगाना चाहते हो तो किसी भी UPI ऐप का यहाँ पे UPI ID यहाँ पे डाल सकते हो। अगर जो आपका फ्लिपकार्ट ऐप में UPI ID सेव होगा तो भी यहाँ पे शो हो जाएगा, उसे भी चूज कर सकते हो। नया ऐड करना है तो ऐड ए न्यू UPI ID पे क्लिक करके आप नया ऐड कर सकते हो। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलता है बैंक अकाउंट का, तो आप जिसका भी बैंक अकाउंट लिख करके उस पर पैसे मंगा सकते हो। तो हम गिफ्ट कार्ड चूज करके यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट कर देंगे। जैसे सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पे प्रोसेस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, तो हम OTP को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे OTP इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो जैसे ही हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे आ चुका है हमारा OTP, इस OTP को यहाँ पे डाल देना है। तो सिंपल से हम अपना OTP डाल देते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के बाद यहाँ देख सकते हो रिक्वेस्ट मतलब रिटर्न रिक्वेस्ट कंप्लीटेड, मतलब यह आपका अप्रूव हो गया है मतलब रिटर्न के लिए। उसके बाद गाइस कुछ समय बाद यहाँ पे हम चलते हैं बैंक, और कुछ समय बाद 2 दिन बाद हमारा पैसा आ गया था, तो चलिए वो भी हम दिखा देते हैं। रिफंड रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड मतलब आपका एक्सेप्ट कर लिया गया है, आपका रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद हम मिलते हैं 2 दिन बाद, यहाँ जैसे तो रिफंड रिक्वेस्टेड चला गया है और 2 दिन बाद हमने ओपन किया, जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं। चलते हैं अकाउंट में, अकाउंट में आने के बाद ऑर्डर्स में हम चलते हैं, आपको दिखा देते हैं। ऑर्डर में जाने के बाद ये रहा हमारा ऑर्डर, दूसरा नंबर वाला देख सकते हो रिफंड कंप्लीटेड, क्योंकि जो डिलीवरी बॉय आया था वो हमारा ऑर्डर लेके चला गया और हमारा पैसा आ चुका है हमारे फ्लिपकार्ट वॉलेट में। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो 434 रुपये कंप्लीट दिखा रहा है। गो टू माई वॉलेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा पैसा यहाँ पे आ चुका है। सो गाइस ऐसे आप आसानी से अपना प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हो फ्लिपकार्ट पे, बहुत ही आसानी से।